मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूं, जैसे कि काफी पुरानी हमारी डिमांडें हैं, हमने गवर्नमेंट से भी अपील की और अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसरों से भी मिले और हमसे यही कहा गया कि जल्द, और साथ ही साथ जो कि हमारी डिमांडें हैं इसके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं मीडिया के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि हमारी जितनी भी डिमांडें हैं अभी तक कोई भी डिमांड जो है हमारी वो पूरी नहीं की गई। जैसे कि काठ लोग जो कि काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, उसमें 32 जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ड्राइवर भाई लगे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, हम चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द परमानेंट किया जाए। साथ ही साथ 600 आदमी जो कि काफी लंबे समय से 3 साल से जिनके फॉर्म फिल हो चुके हैं, अभी तक उनके जो इंटरव्यू है वो स्टार्ट नहीं किए जा रहे। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको लगाया जाए और 2.5 दिन की सैलरी जो है वो काफी समय से वो हमारी 2.5 दिन की सैलरी का ऑर्डर भी हुआ है और अभी तक ये यही कहते हैं कि रेवेन्यू इकट्ठा हर वार्ड में से हम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं। साथ ही साथ 600 आदमी जो कैजुअल जो कि काफी समय से लगे हुए हैं, अक्टूबर महीने में उनको 7 साल कवर हो जाएंगे। अगर जल्द परमानेंट नहीं किए जाते हैं अक्टूबर में और रीऑर्गनाइजेशन जो है वो हमारी काफी पुरानी डिमांड है, तो अगर 72 घंटे में हमारी डिमांड पूरी नहीं की जाती जब हमसे बातचीत नहीं करते हैं तो मजबूरन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक एक जो मुलाजम है वो सड़कों पर उतरेगा।